हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडुवेंचर्स लर्निंग। द क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस, अच्छी चीजें पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है? मेट्स नॉट रिक्वायर्ड, कोई मम्मी पापा का दरकार नहीं है। ये जितने भी हैं अमीबा प्लानेरिया एंड ऑल, वो अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं, अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। इनको कोई फीमेल वर्जन या मेल वर्जन की दरकार नहीं होती है। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज रैपिड, बहुत जल्दी होता है। एनिमल्स एंड ऑल में क्या है, नॉर्मली मैंने सुना है 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स लगते हैं। एलिफेंट को तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें हो जाती हैं, रैपिड होती हैं। एन एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस टाइम, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक बार में क्रिएट हो सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इवन इट्स सिंगल बेबी, ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, ठीक है, मैक्सिममली यही होता है कि सिंगल ही चाइल्ड बर्थ होती है। इवन इन डिफरेंट एनिमल्स एज वेल, अगर आप देखो काओ में देखो, बफेलो में देखो, एलिफेंट में देखो, तो सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा जो कि टाइम लेकर के आते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक साथ बहुत सारे एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। The next is positive genetic influences pass on to successive generations. कुछ ऐसे पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस, मतलब कि अगर एक अच्छा प्लांट है, एक अच्छा पौधा है या एक अच्छा एनिमल है, तो उसकी जो भी जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो अच्छी वाली होगी वो आगे वाले जेनरेशन में भी पास ऑन होती जाती है। सपोज जैसे हमने एक रोज का प्लांट लिया, तो उस रोज के प्लांट का जो स्मेल है बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, तो जो फ्यूचर होगा, जैसे हम लोग अगर उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन किए, तो ऑफकोर्स जो नेक्स्ट प्लांट होगा उसका भी कलर और स्मेल बहुत अच्छा होगा। तो जो अच्छी चीजें हैं वो पास ऑन होती हैं सक्सेसिव जेनरेशंस में, आगे की जेनरेशंस में। इट अकर्स इन वेरियस एनवायरमेंट, जरूरी नहीं है मदर का वोम ही हो। ऑफकोर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मदर्स वोम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वेरियस एनवायरमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, हमने 6 तरीके पढ़े हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो सभी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, 5 हमने एडवांटेजेस देख लिए, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। सो द नंबर 1 इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी, सबसे बड़ा पार्ट इसका, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि आपको वेरिएशंस मिलते हैं, डीएनए जो है वो प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं देता है, वेरिएशंस मिलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैक ऑफ डाइवर्सिटी होती है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जैसा पौधा आप लगाओगे वैसा ही तो मिलेगा, तो या जैसा एनिमल है वैसा ही तो वो रीग्रो करेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको वेरिएशंस नहीं मिल पाते हैं। जैसा आप प्लांट लगाए हो, जैसा एनिमल है, बिल्कुल वैसा का वैसा जेरोक्स कॉपी आपको मिलता है। सिंस द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं, जेनेटिक्स जो है वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, कोई मम्मी पापा का तो हाथ है नहीं कि इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के आएंगे, जो प्लांट है वही रीग्रो कर रहा है। टू द पेरेंट दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू द सेम डिसीज एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एज द पेरेंट। तो इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस ये होते हैं कि अगर पेरेंट्स को कोई डिसीज है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, तो वो बच्चों में भी होगी। सपोज एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा रोज का प्लांट है जिसकी जो कलियां हैं वो मतलब उसकी जो पंखुड़ियां हैं, मतलब जो पेटल्स हैं, वो टूटे फटे से आते हैं, तो वो कितना भी आप रीजनरेट करने का कोशिश कर लो, अगर वो सेम प्लांट ही आप ले रहे हो, लाइक प्रोपगेशन ग्राफ्टिंग एंड ऑल नहीं कर रहे हो, सेम प्लांट को ही आप बार बार काट के लगा रहे हो, तो सारे जितने भी आप प्लांट्स लगाओगे सबकी पंखुड़ियां जो है, जो पेटल्स हैं, वो टूटे फटे से ही आएंगे। तो ये जो सेम डिसीज और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला पार्ट है वो हमेशा कैरी ऑन होते रहता है। ऑल द नेगेटिव म्यूटेशन जेनरेशन, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो भी फ्यूचर जेनरेशन के पास चले ही जाती हैं। The next is, since only one organism is involved, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने पहले कहा था ना, ऊपर में मेट की जरूरत नहीं होती है, मदर फादर की जरूरत नहीं होती है, जो भी है वो फेल मेल है चाहे फीमेल है, वो मतलब है ही नहीं उसमें, तो मेल फीमेल वाला ऑर्गेनिज्म ही नहीं है वो, बट जो भी है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म और इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए डाइवर्सिटी नहीं मिल पाती है। डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज
limited. The next is they are unable to adapt to the changing environment. ये लोग changing environment में नहीं जी सकते. ठीक है, आप फंगाई को बहुत कोल्डर रीजन में ले जाओगे तो वो मर जाएगा, वायरस को बहुत गर्म वाले जगह पे ले जाओगे तो वो मर जाएगा. तो इस तरह की जो चीजें हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट को वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. अ सिंगल चेंज इन द एनवायरनमेंट वुड एलिमिनेट द एंटायर स्पीसीज. थोड़ा सा चेंज उसका पूरा स्पीसीज को खत्म कर सकता है. पानी, नॉर्मल पानी में बैक्टीरिया बहुत सारे रहते हैं, ग्रो करते हैं एंड ऑल. आप पानी गर्म करो, सारे बैक्टीरिया खत्म, एलिमिनेट हो गए. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ ना, टेम्परेचर हाई हो गया, पानी गर्म हो गया, तो जितने भी बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, वो सब वहां से एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, पूरा स्पीसीज ही खत्म हो गया. तो इसीलिए ये सारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं. थैंक यू.